तीन कारण अपन जो है देख सकते हैं कि ईश्वर साहू जो के विजय का जो कारण है, फर्स्ट कह सकते हैं कि हिंदू विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस को हमेशा बीजेपी वाले बताते हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जिसके कारण जो है ईश्वर साहू के बेटे को जो है उनको खोना पड़ा। ये एक कारण है हिंदुत्व जो है। दूसरा कारण कह सकते हैं कि एक गरीब प्रत्याशी है जिसको जो है टिकट जो है बीजेपी ने दिया है, गरीब होने के कारण भी उसको काफ़ी बहुमत जो है इसमें मिलते हुए दिख रहा है। तीसरा कारण कह सकते हैं इसमें एक साहू फैक्टर जो है उस एरिया में, साहू जो समाज जो है उनको पूरा सपोर्ट किया है और सबसे ज़्यादा वोट जो है साहू समाज का उस क्षेत्र में है। क्या ये तीनों फैक्टर काम कर रहा है, आप क्या कहेंगे कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा? बिल्कुल तीनों फैक्टर काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। जनता जाग चुकी है और जनता देख रही है। जब भुवनेश्वर साहू की निर्मिक हत्या की गई है ना, उस समय कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता कोई भी नेता ईश्वर साहू के घर में ढांढस बांधने नहीं गए। उसका परिणाम आज जनता दे चुकी है कांग्रेस सरकार को। इस प्रकार से ईश्वर साहू ने जीत सुनिश्चित करके यह बता दिया है कि अगर आप किसी भी गरीब मजदूर वर्ग को प्रताड़ित करेंगे, उनके साथ न्याय नहीं दिलाएंगे, तो निश्चित रूप से ऐसा आपको झेलना पड़ेगा, आपको हार करारी हार का सामना करना पड़ेगा। अब बहुत बढ़िया जो है एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए दिख रहा है यहाँ ईश्वर साहू जी, एक गरीब प्रत्याशी प्लस हिंदूवादी सोच और साहू समाज का पूरा सपोर्ट। साहू समाज के अलावा देखने में आया कि अन्य समाज जैसे सतनामी समाज है उनका भी जो है उनके धर्मगुरु जो है बालदास साहेब का जो है साझा में सभा लेना, और साथ ही दो चार दिन के बाद जस्ट देखने के लिए मिला कि लोधी समाज का जो है यूपी से एक बड़े सांसद का जो है सभा लेना, सारे समाज का बिल्कुल वहाँ समीकरण सटीक बैठते हुए दिखा। क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से सभी समाज का सहयोग मिला है, क्योंकि हर वर्ग के मध्यम वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, भली भांति सभी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यशैली है वो अलग तरीके से काम करती है और गरीबों मजदूरों किसानों के लिए काम करती है। ऐसी पार्टी है जो दिखावा नहीं करती, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ दिखावे का काम हुआ। इस कारण से आज रिजल्ट जो सामने आया है वो पुराने 15 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है उसके बदौलत सरकार बनी है।